दोस्तों एक्सेल डे 14 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आज हम सीखेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन क्या करता है? एक्स लुकअप फंक्शन फाइंड करता है थिंग्स इन अ टेबल और अ रेंज बाय रो। अगर टेबल में से आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो या कोई रेंज में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। एक्स लुकअप का प्रैक्टिस सीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक्स लुकअप काफ़ी एडवांस वर्जन है वीलुकअप से। चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिस सीट में। एक्स लुकअप, एक्स लुकअप का सिंटेक्स क्या है वो सीख लेते हैं। एक्स लुकअप का सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू। पहले आपको लुकअप वैल्यू क्या देखना है, जैसे ये डेटा है एक टॉप 100 बिलियनर्स का, इसमें लुकअप वैल्यू हो गया रैंक, रैंक में वन लुकअप वैल्यू देखना है हमें। फिर लुकअप एरे, एरे मीन्स किस में से देखना है, तो रैंक कॉलम में से देखना है हमें, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर रिटर्न एरे, जैसे मुझे नेम चाहिए तो रिटर्न एरे का कॉलम नेम वाला हो गया, ये कॉलम हो गया। फिर If not found, match mode, search mode, ये तीनों ऑप्शनल हैं। आप अगर आपको इसका इसकी ज़रूरत हो तो आप यूज़ करें, नहीं तो नहीं यूज़ करें। तो चलिए हम आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा है, देन आपको देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, रैंक, रैंक में वन, फर्स्ट रैंक इसका है, इसमें लुकअप करना है। देन हमें सेकेंड कॉमा डालना है, यहाँ पे हमने कॉमा पुट किया। देन लुकअप एरे, अब रैंक वन कहाँ पे है, वन कहाँ पे है, रैंक कॉलम में, तो रैंक कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेना है। देन कॉमा देना है, देन हमें आना है यहाँ पे, देखिए क्या हाईलाइट हुआ, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मीन्स क्या चाहिए हमें, नेम, नेम चाहिए, रैंक वन का नेम चाहिए, तो नेम कॉलम सेलेक्ट कर देना है और पूरा रेंज उसका स्पेसिफाई कर देना है। देन आप आ जाइए ये फॉर्मूला में, देन आपको देखिए आप कॉमा अगर डालेंगे तो वो तीनों ऑप्शनल चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। तो ऑप्शनल है वो, मैंडेटरी नहीं, तो हम उसको नहीं डालते। यहाँ पे हम कॉमा पुट करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए आ गया रैंक वन एलन मस्क है, यहाँ पे दिख रहा है रैंक वन एलन मस्क है। हम यहाँ पे टू चेंज करते हैं, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर हम वीलुकअप में, अगर हम आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा वीलुकअप में, अगर हम उसको ड्रैग करते हैं राइट में तो एरर आता था, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, उसने वैल्यू पकड़ लिया पैरेलल। टोटल नेटवर्क आ गया, कंट्री आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, ये देखिए। टोटल नेटवर्क अब हम नीचे भी ड्रैग करके देखते हैं क्या एक्स लुकअप काम करता है। वीलुकअप तो काम नहीं करता था उसमें फॉर्मल। यहाँ पे जैसे कि रैंक ब्लैंक है तो यहाँ पे नॉट फाउंड जीरो आया, हम टू पुट करते हैं, यहाँ पे जेफ बेजोस आ गया। थ्री पे बर्नॉल्ड एर्नॉल्ट आ गया, ये देखिए एक काम कर रहा है, मींस वीलुकअप से काफ़ी अच्छा एक्स लुकअप है। लेकिन एक्स लुकअप वर्जन जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल 2021 वर्जन में। अगर आप उससे नीचे का वर्जन यूज़ करते हैं तो शायद एक्स लुकअप अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आपको एक्स लुकअप प्रैक्टिस करना है तो आप ऑनलाइन एडुटैक्स ट्यूबर के साइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और आप ये प्रैक्टिस सीट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेल 2021 या 365 वर्जन है। देखिए एक्स लुकअप क्या करता है, वो डेटा में से कहीं से भी आपको वो फाइंड करके दे सकता है, मीन्स आप राइट साइड जाएँ या लेफ्ट साइड। वीलुकअप क्या करता है, वीलुकअप अगर हमने रैंक वन फाइंड करना है तो वर्टिकली वो देख के फाइंड आउट करता है, लेकिन एक्स लुकअप ऐसा नहीं है। वीलुकअप में ऐसा था कि वो रैंक चेक करेगा देन वर्टिकली फाइंड आउट करेगा। अब हम एक्स लुकअप को अदर वे में देखते हैं, जैसे हमने रैंक फाइंड रैंक से नेम फाइंड किया, अब हम नेम से रैंक फाइंड करेंगे। हमने ले लिया एलन मस्क, एलन मस्क अब इक्वल टू एक्स लुकअप कॉमा, अब लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या देखना है, हमें देखना है नेम, नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन रिटर्न एरे क्या चाहिए, हमें चाहिए रैंक, रैंक का रेंज स्पेसिफाई करें, देन ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए आ गया। मीन्स राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन दोनों में सर्च करके आपको वैल्यू फाइंड आउट कर देगा। इसे ड्रैग कीजिए, जीरो आया क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है,
अगर मैं इस कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ, देखिए आ गया। एक्स लुकअप यूज करके आप अपने डेटा में कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपरली, और आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका। वो तो कुछ टाइम में आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन एडवर्टाइज ट्यूबर की साइट पे। अगर आपको ऑनलाइन एक्सेल प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जा सकते हैं, या तो आप गूगल पे जाके एडवर्टाइज ट्यूबर प्रैक्टिस एक्सेल ऑनलाइन सर्च करना है, ये आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे देखिए बेसिक से एकदम स्टार्ट है, प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली एक्सेल एप्लीकेशन में करते हो। अब यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे भी कर सकते हो, आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको अगर अलग फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, फंक्शन प्रैक्टिस करना है, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट आपको नीचे दिया हुआ रहेगा, ये देखिए काउंट प्रैक्टिस। यहाँ पे हम काउंट प्रैक्टिस पे आ गए, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, देखिए आ गया। आप आंसर भी चेक कर सकते हो अपना, सिक्स आ गया। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, देन एरिया स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे जीरो आया क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अल्फाबेट्स को नहीं काउंट कर सकता। यहाँ पे काउंट ब्रैकेट ओपन एरिया स्पेसिफाई कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे इसने फाइव काउंट किया क्योंकि स्पेस भी काउंट नहीं करता। तो इस तरह आप कुछ एक्सेल ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ।